राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सूबे में 2018 के 74.71% के मुकाबले 75.45% अब की बार मतदान हुआ। हाल ही में संपन्न वोटिंग में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की गई थी। पोस्टल बैलेट से 0.83% मतदान हुआ है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं ने अपने मताधिकार का जमकर उपयोग किया है। प्रदेश भर में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72% रहा है, जो पुरुषों के मत प्रतिशत से 0.19% ज्यादा है। इस आंकड़े में खास बात यह है कि जिसने राजनीतिक पंडितों को नए एंगल से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में महिलाओं ने मतदान में खासा उत्साह दिखाया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य दिग्गज मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पछाड़ा है। इन क्षेत्रों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के वोटिंग प्रतिशत से 6-10% तक ज्यादा रहा है। भाजपा इसका राजनीतिक अर्थ जहां महिला अत्याचार, बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ समेत अन्य अपराधों में राजस्थान के देश में नंबर 1 होने से महिलाओं में सरकार के प्रति नाराजगी से जोड़कर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की योजनाओं, खासकर मोबाइल वितरण के असर से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने करीब 10% ज्यादा मतदान किया है। दातारामगढ़ में पति और पत्नी के बीच हो रहे मुकाबले में कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। यहां महिलाओं ने पुरुषों से करीब 6% ज्यादा मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी चेतन डूडी के निर्वाचन क्षेत्र डीडीवाना में महिलाओं ने 8% अधिक मतदान किया है। रानीवाड़ा में महिलाओं का 4% ज्यादा मतदान हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के निर्वाचन क्षेत्र श्री माधोपुर में भी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4% मतदान ज्यादा किया है। प्रदेश की 199 सीटों पर हुए मतदान के आंकड़ों में करीब 5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से आगे रही हैं। इसमें खास बात यह भी है कि महिलाओं ने आदिवासी बहुल वागड़, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में अधिक मतदान किया है। बड़े कांग्रेस नेताओं की सीटों पर बढ़े हुए महिलाओं के मतदान को कांग्रेस अपनी सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर देख रही है और इसे महिलाओं का सरकार पर विश्वास बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोबाइल वितरण जैसी योजनाओं के चलते महिलाएं कांग्रेस सरकार को रिपीट करना चाहती हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में उन्होंने बंपर मतदान किया है। वहीं भाजपा मान रही है कि सरकार से नाराजगी का संकेत भाजपा नेता इन सीटों पर महिलाओं के अधिक मतदान को राज्य में महिला अपराधों से जोड़कर देख रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले 5 साल में महिला अत्याचार, बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ समेत अन्य अपराधों में राजस्थान देश में नंबर 1 हो गया है, जिसका गुस्सा महिलाओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की सीटों पर सरकार के विरोध में बंपर वोटिंग कर निकाला है। अब ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि आखिर महिलाओं ने बंपर वोटिंग कर किसे सत्ता की चाबी सौंपने की ठानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।